when we have to stay in the institution from 9 to 3? Can't we engage students from 9 to 3? Let there be two and a half hours of theory, and most of them is more practical oriented. Can't we use ICT tool to extend extend the classroom boundaries and move on to classroom learning 24/7? Unless we teacher educators are committed to our profession, will not be able to go ahead with any kind of system we come out with. I'm very happy that the institution has taken an initiative to at least discuss certain issues, how we can reorganize our teacher education programs. There are few things which will happen at national level, policy level, but there are so many things which are visible at the institutional level. There are so many things which are visible at the teacher level. Probably if we think more on that, we'll be more effective in transforming teacher education. Thank you so much. For his keynote address, he has enlightened us about the teacher education. He has told us the role of teacher, role of ICT. Side by side, he has told us about the drawbacks of teacher education and has given us suggestion also. So we are very thankful to you for your keynote address. Thank you. दो पंक्तियां कह रही हूँ. जो शख्स हमको शान से जीना सिखा गए, आओ कि उनकी याद में कुछ बात हम करें. ना जान सिदर कर सके ना दिल निसार है, हम पेश क्यों ना यादों के सौगात हम करें. जी हाँ, डॉक्टर जी आर वेज जो शिक्षा के क्षेत्र के भीषण पितामह थे, वे एक सशक्त स्तंभ थे जो हमारे मध्य नहीं रहे. वे एक परिपक्व वक्ता थे. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस रश्मि खुराना जी से कि वे मंच पर आएं व उनके साथ बिताए पलों का या उनकी जो भी उत्कृष्ट पल हैं वो हमारे सामने पेश करें, ताकि हम डॉक्टर जी आर विज से एक बार फिर से परिचित हो पाएं. तो मैं मंच पर आमंत्रण दे रही हूँ मिसेस रश्मि खुराना जी को, असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड ऑल इंडिया रेडियो. मैम, यू आर वेलकम हियर ऑन द चाय. Madam Principal, the Managing Committee, President and all the members, and my all CTE family, and dear students. बच्चों, आपको लग नहीं रहा थोड़ी सी खुशबू आ रही है? आ रही है क्या? पीछे आपसे पूछ रही हूँ, खुशबू आ रही है थोड़ी सी आपको? मेरे डीओ की नहीं, वैसे आ रही है? So all we are going to talk about today is about the fragrance which makes the difference. We are going to talk about Dr. D.R. Vij, and please, I won't say I mind it, but I will say we must amend it. He was not there. He is. Look at the chart, what he is saying, please. इस चार्ट को हाईलाइट कीजिए. इस चार्ट में वो कहते हैं, आई एम वेरी मच हियर विद यू विद इन यू ऑलवेज डॉक्टर डी आर विज, एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सी टी ई विल एग्री टू मी ऑन दिस इश्यू दैट ही इज हियर ओनली. वी कैन नॉट से दैट ही इज नॉट हियर. He will always remain within us till we are alive. Alive means till we are enlightened with what we have grasped, what we have studied, what we have earned the knowledge. Till that knowledge is within us, Dr. D.R. Vij is within us. You all are known to him. It will be my folly, a big mistake, if I say he was somewhat more close to me. ये तो ऐसे है जैसे हमने ये सोचा कि मैं इस हवा को मुट्ठी में पकड़ लूँ या मैं इस खुशबू को कैद कर लूँ. वो आप सबके दिलों के इतने ही नज़दीक हैं. और अब जब मुझे इस बात के लिए बुलाया है, आप में से बहुतों ने अपने मन में ये सोचा होगा, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ उनके बारे में.
मैं भी बहुत नज़दीक रहा हूँ उनके, वो मेरे बहुत नज़दीक थे, इतने शायद किसी के भी नहीं थे। मैं भी उस गलत फहमी से निकल चुकी बहुत पहले। पहले लगता था द पर्सन इज सो क्लोज टू मी, बट व्हेन आई ऑब्जर्व हिम वेरी क्लोजली, जब पास से उनकी ज़िंदगी में देखा मैंने, क्योंकि एक सौभाग्य रहा और इट हैपेंड लाइक दिस दैट वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, वो मेरे साथ रहते थे, हम उनके जरिए साए रहते थे, तो मैंने उनकी ज़िंदगी को ध्यान से देखा तो लगा किस गलत फहमी में हुआ, ये तो सबके हैं, ये हमारे नहीं हैं, मेरी मुट्ठी में नहीं है, इसको ये कहना कि ये मेरे हैं बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो व्यक्ति तो रहता ही कहीं और था, वो 36 टैगोर पार्क में नहीं रहता था, वो तो पता नहीं कहाँ रहता था और कहाँ उड़ा फिरता था, और उसकी सोच पता नहीं कहाँ थी, उसकी सोच बहुत आगे थी और वो किसी को लेक्चर नहीं देता था। उसने कभी लेक्चर दिया हो? आई डोंट थिंक सो। डॉक्टर अमित कॉक्स ने आज जैसा लेक्चर दिया है बहुत अच्छा, कमाल का। डॉक्टर मिच का एक अपना स्टाइल था और अमित कॉक्स भी ये कह रहे हैं कि तुम क्या बोल रही हो, नज़दीक तो मैं था। ये और इनकी वाइफ दीपा, ये उनके बच्चे बेटा बेटियाँ थे, जितने मैं कह रही हूँ उससे अधिक ये उनके नज़दीक से। डॉक्टर खुशविंदर कुमार कहेंगे मैं अधिक नज़दीक था, खन्ना जी तो मुझसे बहुत पहले उनके नज़दीक थे। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जो मुझसे रह भी जाएंगे, लेकिन मैंने भी उनको थोड़ा सा नज़दीक से देखा और समझा और सीखा, और जितना समझती गई तो ऐसा लगा कि अभी तो कुछ समझा ही नहीं है इनके बारे में। वो क्या थे? वो जादूगर थे, और जादूगर विषय में जैसे उनका एक बड़ा पेट शेर भी था, देखे तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ, हर एक को ये गुमा है कि मुखातिब हम ही से हैं। वो ऐसे नज़र डालते थे कि हर एक को लगता था मैंने ही देखा है, बस मैंने ही देखा है, वो लास्ट वाली बड़ी गंदी मैंने ही देखा है। ऐसे थी उनकी जादूगर आंखें। आप लोगों ने शायद बच्चों उनको देखा नहीं होगा जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे हैं। I wonder if anybody of you have listened him or seen him. लेकिन CTU family ने कई बार अनेकों बार डॉक्टर शर्मा जी नमस्कार करते हुए आपसे कहती हूँ, आपका तो बहुत वरद हस्त रहा है उन पर, मिसेस खन्ना घर की मैं सेवा करती रही हैं उनकी, उन सबको पता है कि वो आदमी क्या था। मैं क्योंकि पास में रही हूँ तो उनकी डेली रूटीन देखी है, और डेली रूटीन में उनका क्या था, उनको कभी कोई चीज़ बुरी ही नहीं लगी। हमें लगती थी, मैं कहती थी अंकल ये पुरानी बात आपको बुरी नहीं लगी, कहते क्या बेटा क्या हुआ, उनको पता ही नहीं लगता था बुरा क्या है अच्छा क्या है, कि वो किसी और दुनिया में रहते थे, वो दुनिया जिसके लिए वो ये सोचते थे कि मैंने इसको रीपे करना है, जो कुछ मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है उसको मेरा रीपे करना है। मैंने बहुत बातें सुनी हैं आदर्शों की, देखी भी हैं, लेकिन ऐसा आदर्श नहीं देखा। आपको एक व्यक्तिगत बात बताती हूँ, उनके कमरे में 3 तस्वीरें थी, एक उनके पिताजी की, एक उनके माताजी की, और एक उनके उस्ताद डॉक्टर प्रोफेसर हबीबुर रहमान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहाँ से उन्होंने अपना MA किया और उसके बाद वो नौकरी में आए। हर रोज चाहे वो नाश्ता भूल जाते थे, लेकिन वहाँ प्रणाम करना और एक परिक्रमा देनी कभी नहीं भूलते थे, उस आशीर्वाद को लेकर चलते थे, और उसके बाद वो बांटते ही रहते थे और हर वक्त कुछ गुनगुनाते थे, लेकिन कभी निरर्थक नहीं गुनाते थे, वो हमेशा सार्थक गुनगुनाते थे। खुद को दिखा करो दिखाया करो, सारी दुनिया से मिलते रहते हो, हाथ अपने से भी मिलाया करो, एवरों के ना गिनाया करो। मुझे सुनाया करते थे, हम तो इंसान है ना साधारण से, हमें अच्छा बुरा बड़ा कुछ लगता है, कोई सबसे ऊपर थे, इससे ऊपर थे, क्या करूं। हर रोज ऐसे हड़बड़ा के उठा करते थे, क्या बाकी रह गया है, जाना है। मैं एक बच्ची की तरह करती थी, अंकल 15 दिन आप लगाकर आए हैं, 24 घंटे का सफर करके आए हैं, एक दिन तो आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा ठीक है, हो गया आराम, मैंने 2 घंटा लेट लिया, हो गया आराम, ये खा लीजिए वो खा लीजिए, नो। किसी अपने लिए सारी नो थी, लेकिन किसी के लिए कभी नो थी, किसी ने कभी भी बुलाया है
अंकल झट से उठ कर गए। हम प्यार से उन्हें अंकल कहते थे। अंकल झट से उठ के चले जाते थे। कोई दोस्त आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, डॉक्टर साहब घर में बड़ा झगड़ा हो रहा है, आइए आप समझाएंगे तो बात बन जाएगी, चलो बेटा। झट से चप्पल डाली अपना, चल दिए उसके साथ। सादगी इतनी जैसे कि आप किसी योगी संत की होगी। और 3 बजे उठकर योग करना, योग करने का तो ये था और उसका असर भी क्या था, ये टिल हिज डेथ उनकी आंखें, उनके ठांगे सब कुछ ठीक था। बाकी थोड़ा ठीक है, ये डिप्रेशन हो गया था, लेकिन अदरवाइज वो सभी चलते रहे। आज बहुत बड़ी बात ये है कि इस कॉलेज को मैं मुबारकबाद देती हूँ मैडम गोविंदर जी को, मीनाक्षी जी को, और जो मैनेजमेंट है, और CTE फैमिली को, जिन्होंने ये DR Vij मेमोरियल लेक्चर शुरू करने की बात सोची। ये वेरी थॉट इज़ वेरी ऑब्लाइजिंग टू द फैमिली एंड टू द होल CTE फैमिली। और उसके बाद उसमें जो ये टॉपिक रखा है रीथिंकिंग टीचर एजुकेशन, दैट वॉट इज हिज लाइफ वॉज। क्योंकि वो कहते थे कि एजुकेशन वो नहीं है कि एक डिग्री पास कर ली, एजुकेशन वो नहीं है कि पाइलिंग अप ऑफ बुक्स ऑन योर टेबल, एजुकेशन वो नहीं है कि आपने क्लास में डंडा खड़ पाया, एजुकेशन इज टू नो अबाउट ट्रूथ। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, कितने अरसा पहले महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए थे, ये भी हमारा दूसरा महात्मा ही था, सत्य के प्रयोग ही करते रहते थे वो। और सत्य को सत्य किस लिए, क्योंकि सत्य के माध्यम से जानो कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में क्या है, जिंदगी को कैसे रिलेट करना है, को रिलेट करना है, आगे कैसे बढ़ना है। एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक्सप्लोर कैसे करना है, इसके माध्यम से आगे कैसे वर्त दर पर जीवन को खोलना है, टटोलना है अपने स्टूडेंट्स के आगे और बढ़ते ही जाना है, यही उनके जीवन का मकसद था। और इसी में वो भरमाए फिरते थे, किस हद तक फिरते थे वो आप में से कईयों को याद भी होगा, लेकिन राजस्थान चैप्टर वालों को खास तौर पे याद होगा। राजस्थान में एक बार उन्होंने PCP प्रोग्राम लगाया, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, 1 हफ्ते का प्रोग्राम था, सब हेडमास्टर्स, हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल्स थे, लेकिन राजस्थान है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, 500 स्टूडेंट्स हैं, हॉल भरा हुआ है, लेकिन कहीं बिजली का अरेंजमेंट नहीं है, गर्मियों का मौसम है जून का, और ना पंखा है, ना हवा है, ना कोई AC की तो बात ही भूल जाओ। उसमें 500 लोगों तक अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचानी उन्होंने अपना मिशन बना लिया, चाहे बीच में घूमे चाहे इधर घूमे। ये बात अलग है कि 7 दिनों के बाद इतने थक गए थे, यही व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम टाइम ही सफर्ड मैसिव हार्ट अटैक, लेकिन इसके बाद भी कोई अफसोस नहीं, और जल्दी से ऑपरेशन बाईपास करा के उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं अब तो बहुत काम बाकी है, मुझे तो जाना है, मुझे तो बाहर निकलना है। और उसके बाद 93 में ऑपरेशन के बाद अंकल और भी ज़्यादा बिजी हो गए, ऐसा हो गया कि जिस तरह पंजाबी कहने सिर सुट के पीछे पै गए, वो सिर सुट के पीछे पै गए सी, क्योंकि उन्होंने लगता सी मेरा मिशन की है, मेरा मिशन है एजुकेशन दे राही हर एक नू एजुकेट करा, का दे ले BEd दे सिलेबस ले नहीं, MEd दे सिलेबस ले नहीं, जिंदगी दे ले। इस जिंदगी विच अगर हर बंदा एजुकेटेड होवे ते अज साडे देश दे अग्गे जिहड़ियां समस्यावां आ रहीयां जिन्हां अग्गे असीं अंतरराष्ट्रीय स्तर ते बदनाम हो रहे हां, जे असीं एजुकेटेड होईए उह सब कुछ वी ना होवे। उस एजुकेशन नूं देण दे मगर ओह बंदा लग्गिया होया सी, और ओह बोलदा घट सी, ओह दिखांदा ज़्यादा सी, अपनी जिंदगी नूं आप मिसाल बणांदा सी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ MA ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ and he will remain here always and always till you are a true student, till you are full of truth,
till you are an educated person and you remain like that. Because agar unhon sachi shradhanjali jehdi is college to shuru hui hai unhon da memorial lecture rakhe oh sachi shradhanjali ehi hai ki unhon da eh lecture rakhya gaya aur ohde is topic vi ehi rakhya gaya revisiting teacher education pehla Chandigarh vi hoya hai ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ 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 ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਏ ਜਰਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਇਟਸ ਏ ਜਰਨੀ ਇਟਸ ਏ ਕੁਐਸਟ quest of learning aur oh unna da bada favorite sher si jehda good better best quest of learning de naal hi related hai hai just jo ke khoob se hai khoob dar kahan good better best kithe hai hai just jo andar mere jigyasa hai honestly I want to know hai just jo ke khoob se hai khoob dar kahan ab thehrti hai dekhiye jaakar nazar kahan thank you डीएल विज के उत्कृष्ट पलों को हमारे समक्ष रखा जी हाँ डॉक्टर विज पर्सनालिटी ही ऐसे थे उनके पढ़ाने का अंदाज भी शायाना था उनके पढ़ाने की कला अपने आप में एक उदाहरण थे जिसे कोई भी फॉलो नहीं कर सकता वे अपने आप में खुद एक एग्जाम्पल थे कि जो एक एग्जाम्पल है जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जमाना रंग अपना कुछ ना कुछ सबको चढ़ाता है खुद पर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं जमाने को जी हाँ ऐसी ही शख्सियत थी डॉक्टर जी अरविंद जी की तो मैं धन्यवाद करती हूँ मिसेज रश्मि खुराना जी का नाउ द पर्सन टू हुम आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन इज प्रोफेसर डॉक्टर आर जी कोठारी फॉर्मर वाइस चांसलर वी एंड एस यूनिवर्सिटी सूरत फॉर्मर हेड एंड डीन एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात He has guided so many students for PhD, at least 20 students have done PhD under his guidance. Still, 6 more students are doing PhD under his guidance. More than 250 papers have been published in different journals. I welcome him on the dais for Dr. D. R. Vaish Memorial Lecture. So you are welcome here on the dais. Dr. Gurvinder Kaur, Mrs. Rashmi Khurana, Dr. Meenakshi Sharma, Dr. Pushpinder Ji, Professor Khanna Ji, Professor K.K. Sharma Ji, Deans of the faculty here and other office bearers. Well, it gives me a pleasure and I am happy to deliver this D.R. Vaish Memorial Lecture. So many things have been said about Dr. D.R. Vaish. I think, what should I say, I fall in love with him or he fall in love with me. I will say he fall in love with me in Udaipur. Good place. And that was evening time. People were ready to go for sightseeing. I was presenting my paper on joyful learning. And he was waiting for me. And in between he listened to me. And that was the first instant where we became the good friend. And I am happy to say that my friends, I don't say again, there are friend philosophers and guides, but I have a very good relations with many such, and they are more than, I think, 25 years ahead of me. He was also like that only. Professor Ravindra Dave, the director of UNESCO Institute of Education Germany, he is also like that. So it's really great pleasure to deliver an address in the memory of this. Then of course he came to Baroda also, then also we had a very good interaction. He had a dinner, a specific dinner where he did not take chili and all other things. So very specifically we have to prepare. We shared so many things, he stayed in guest house. Then again we went for the seminars and I think last visit was, madam, at your place.
where I could not correctly remember the difference between Tagore Park and Tagore Nagar. Otherwise, 36 Tagore Park is the well-known, but I had something like Tagore Park, Tagore Nagar in my mind. Like we had Professor M.P. Bhuj, he is known by 46 Harinagar, Baroda. If you say 46 Harinagar, that is M.P. Bhuj. So these are the great personalities. What should I say? I have prepared a lot for this. I don't know. I will skip something and I will try to see. Now in education, it is said, now every time we say this sentence, that entire education system of our country is under change. When there is a change, there is a change in the government, education they want to change. Again, the next government will come, they also will try to influence with their own philosophies, dogmas, superstition and so many things. So like that, and when can you say that any education system or reforms can be successful unless the quality of teacher is improved? So everywhere we are thinking of the quality of teacher, and quality of teacher in turn depends upon the quality of teacher education. So teacher education has a very significant role to play. If you refer, I cannot say the NPE 2016 draft only, now I don't know whether it will remain draft or, because I am talking 2016 and now 17 and 18, in between the minister has also changed. But it is said that the key improvement in quality of education is to have better, remember this word now, it is our responsibility that are we doing this, qualified, have a better qualified, better trained. I don't know the word better meaning, B-E-T-T-E-R, English, what do you tell us? Better, then better motivated and more accountable teacher. This is what we are supposed to do. Would you be able to do in 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, or never? What is wrong? Fine. The poor quality of school education, this policy document in chapter 9, I have read thoroughly, and the caption was 9.10. It was said that the poor quality of school education is direct result of poor quality of teacher education and teacher training. So we are ultimately blamed. गांव में भाभी बोलते हैं ना भाभी, तो वी आर लाइक भाभी, एवरीबॉडी विल क्रिटिसाइज, बहुत को सब क्रिटिसाइज करते हैं, लाइक दैट एवरीबॉडी यूज्ड टू क्रिटिसाइज टीचर एजुकेटर, कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, एंड अल्टीमेटली स्कूल पीपल, बट स्कूल में भी देखो कितने ट्रेन टीचर्स है, रेशियो निकालो कभी पता चलेगा, नागालैंड में तो 80% टीचर अनट्रेन है, बाकी जो से इग्नोसेट बी एड किया है, बाकी लोगों ने नॉन अटेंडिंग बी एड किया है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आती है. We are following officially and unofficially both the degrees. So this is what they say. And NPE further says, second point, that teaching is not preferred choice when it comes to the career option. कितने लोग बोलेंगे? एक बार हमारे education के minister Upendra Singh Chudasama Gujarat के आए थे, और there were a huge crowd, more than 2,000 students were there. I was also there. पूछा उसने कि कितने लोग teacher बनना चाहेंगे? उसमें 10th और 12th के स्टूडेंट ज्यादा थे, तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया. आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, उनको भी पता नहीं होगा कि टीचर क्या है. जैसे पहले तो बच्चे, छोटे बच्चों को पूछो थीविल से कि मुझे तो ड्राइवर बनना है, कितना कंट्रोल है देखो. दूसरा चॉइस देगा मुझे पुलिस बनना है, कितनी ताकत है पुलिस की. बट टीचर की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया है, दे वर नॉट एबल टू से. आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट ओनली 3 of them said, of course, Upendra Sridhar Chudasama ने उसको कुछ इनाम दिया, पैसा दिया, और हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी उसने भी इनाम दिया. बट दिस इज नॉट ए प्रेफर्ड चॉइस, क्या किया जाए आप सोचिए, राइट? पहले जाएंगे इंजीनियरिंग में, फिर मेडिसिन में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे, बट कमिंग टू बी एड विल बी द लास्ट रिसोर्ट. एंड इसीलिए 4 ईयर्स वाला शुरू किया है अभी, आई विल कम टू डेट ऑल्सो. नाउ सब्सटेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी ऑलवेज ब्लेम. The government is also responsible, and NCT is also partner. So can we straightway blame that NCT is also responsible? वो तो नहीं मानते हैं. NCT वालों को पूछा कि corruption है, तो inspection में कौन जाते हैं? Who are the people going to inspection? Teachers ही जाते हैं. तो how can you blame that NCT is responsible? NCT is empowering you to go and visit, inspect. और आप बोलते हैं corruption करते हैं? तो वहां भी टीचर एजुकेटर बदनाम हुआ. थोड़ा गलत भी है, थोड़ा सही भी है. यू कांट